आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है सभोपदेशक 7वां अध्याय वचन 15 से 29। अपने व्यर्थ जीवन में मैंने यह सब कुछ देखा है। कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नष्ट हो जाता है और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। अपने को बहुत धर्मी न बना और न अपने को अधिक बुद्धिमान बना, तो क्यों अपने ही नाश का कारण हो। अत्यंत दुष्ट भी न बन और न मूर्ख हो, तो क्यों अपने समय से पहले मरे। यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी हाथ न उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। बुद्धि ही से नगर के 10 हाकिमों की अपेक्षा बुद्धिमान को अधिक सामर्थ्य प्राप्त होती है। निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप न हुआ हो। जितनी बातें कही जाएं, सब पर कान न लगाना, ऐसा न हो कि तू सुने कि तेरा दास तुझी को शाप देता है। क्योंकि तू आप जानता है कि तूने भी बहुत बार दूसरों को शाप दिया है। यह सब मैंने बुद्धि से जांच लिया है। मैंने कहा मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा, परंतु यह मुझसे दूर रहा। वह जो दूर और अत्यंत गहरा है, उसका भेद कौन पा सकता है। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि के विषय में जान लूं, कि खोज निकालूं और उसका भेद जानूं, और कि दुष्टता की मूर्खता और मूर्खता जो निरा बावलापन है को जानूं। मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, परंतु पापी उसका शिकार होगा। देख, उपदेशक कहता है मैंने ज्ञान के लिए अलग अलग बातें मिलाकर जांची और यह बात निकाली जिसे मेरा मन अब तक ढूंढ रहा है परंतु नहीं पाया। 1000 में से मैंने एक पुरुष को पाया, परंतु उनमें से एक भी स्त्री नहीं पाई। देखो, मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं।